क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना इन दिनों इन्वेस्टर्स को खूब लुभा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फेक क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडडेस्क के मुताबिक देश में फेक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में निवेश करके निवेशकों ने 1,000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पोर्टल के जरिए इन निवेशकों ने फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज में निवेश किया था। तो कैसे हो रहा है इन फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए फ्रॉड, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। क्लाउडडेस्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो स्कैमर्स यूजर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। आइडेंटिटी स्कैम और फिशिंग के जरिए यूजर्स को फेक क्रिप्टो एक्सचेंज में निवेश करने के लिए लुभाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज बिल्कुल असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह नजर आता है। ये साइबर फ्रॉड वेलकम ऑफर के तहत $100 का क्रेडिट देकर यूजर्स को लुभाते हैं। यूजर्स का भरोसा जीतने के लिए उन्हें ये रकम खाते में क्रेडिट भी कर दी जाती है। इस झांसे में आने के बाद यूजर्स प्लेटफॉर्म में ज्यादा कमाई करने के लिए पैसे डालता है। यूजर द्वारा अपनी ओर से पैसा डालने के बाद फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से यूजर के लिए ट्रेडिंग और विड्रॉल फैसिलिटी को वापस ले लिया जाता है और उसे डिसेबल कर दिया जाता है। फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए किए गए फ्रॉड का हालिया मामला मुंबई में सामने आया, जहां मुंबई पुलिस ने 27 मई को कांदिवली एरिया में अंडर ग्रेजुएट छात्रों को गिरफ्तार किया था, जिसने 1.5 करोड़ रुपए का क्रिप्टो घोटाला किया था। उसने यूजर्स को 25% मुनाफा देने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं दे सका। वहीं ये खबर सामने आई थी कि मुंबई के मालाबार हिल में फ्रॉड क्रिप्टो एक्सचेंज ने 1.57 करोड़ रुपए एक निवेशक के चुरा लिए। ऐसा क्रिप्टो फ्रॉड सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। 17 जून को FBI के एक एजेंट ने मीडिया को जानकारी दी थी कि लिंक्डइन पर जाकर ऐसे क्रिप्टो स्कैमर्स प्रोफेशनल्स को झांसा देकर लुभाने में जुटे हुए हैं। पहले स्कैम करने वाले यूजर्स का भरोसा जीतते हैं और फिर फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें चूना लगा देते हैं। ऐसे में हम आपसे ये अपील करते हैं कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अगर आपको जाना है तो आप उसको वेरीफाई जरूर कीजिए, यानी उसके डोमेन में .com है या नहीं ये जरूर चेक करिए और इसके बाद ही किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में पैसा लगाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।